हे गाइज, वेलकम टू स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शन। गाइज, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड फैंटेसी से अपनी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के थर्ड ओडीआई गेम के प्रेडिक्शन के बारे में। देखेंगे इस वीडियो में फुल स्टेट्स, रिकॉर्ड्स एंड एनालिसिस, साथ ही फ्रेंड्स प्लेयर्स के फर्स्ट एंड सेकेंड ओडीआई गेम्स के परफॉर्मेंस एंड उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी को अपनी स्मॉल लीग्स प्लस ग्रैंड लीग्स टीम क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसी वीडियो में गाइस डिस्कस करेंगे बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स फॉर दिस मैच एंड उसी के साथ गाइस लो सिलेक्शन में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंशियल गेम चेंजर पिक्स आप सभी की टीम से हो सकते हैं। सो गाइस सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इसलिए गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड हैंस गाइज, इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक एम होने वाला है विच इज़ गोन बी ओनली 200 लाइक्स एंड आई होप गाइज आप सभी यहाँ पर जल्दी जल्दी इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करेंगे। सो यस गाइज, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से गाइज सभी भाई लाइक कीजिए एंड 200 लाइक्स गाइज यहाँ पर जल्दी जल्दी आप सभी कंप्लीट कीजिए। साथ ही गाइज फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, बिकॉज गाइज फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी एंड जल्दी से गाइज आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया वुमेन्स की तरफ से। सबसे पहले शेफाली वर्मा के बारे में, राइट हैंड बैट्समैन है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर गाइस हेड टू हेड में 3 मैचेस उन्होंने प्ले किया है, 78 रन स्कोर किए हैं। इस वेन्यू पर एक मैच प्ले किया, 0 रन है एंड यहाँ पर अगर आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड ओडीआई का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतना अच्छा यहाँ पर नहीं रहा है। ऑल दो अपना सेकंड ओडीआई में एक ओवर की बॉलिंग कराई थी जहाँ पर इन्हें एक विकेट भी यहाँ पर मिली थी। स्मृति मंदना के बारे में बात करेंगे, इस दोनों ही गेम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं एज यू ऑल नो। 14 हेड टू हेड मैचेस में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड से गाइस यहाँ पर 50 का बैटिंग एवरेज है, 646 रन से उन्होंने स्कोर किया है। फर्स्ट ओडीआई के अंदर 91 रन है, वहीं पर गाइस सेकंड ओडीआई के अंदर यहाँ पर 40 रन से उन्होंने स्कोर किए हैं। यास्तिका भाटिया विकेट कीपिंग सेक्शन से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक आप सभी की टीम्स में रहने वाली है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स आप देखेंगे, एक मैच 8 रन, बट यहाँ पर आप लोग फर्स्ट टू गेम्स देखेंगे ना इस सीरीज़ का, तो फर्स्ट गेम के अंदर 50 रन, वहीं पर गाइस सेकंड गेम के अंदर 26 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। ओडीआई में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स है, 16 मैचेस में यहाँ पर 400 प्लस रन इन्होंने स्कोर किए हैं। हरमनप्रीत कौर गाइस आप लोग देखेंगे लास्ट गेम के अंदर यहाँ पर 143 रन इन्होंने स्कोर किए, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था गाइस एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड्स है। वेन्यू पर बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है, ओडीआई में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड्स के आप लोग देखेंगे बहुत अमेजिंग रहे हैं। एंड यहाँ से गाइस एक बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स आप सभी की टीम्स में रहने वाली हैं। हरमनप्रीत कौर फर्स्ट ओडीआई गेम में इस सीरीज़ में 74 रन इन्होंने स्कोर किया एंड एज यू ऑल नो सेकेंड ओडीआई में 143 रन नॉट आउट गाइस इन्होंने स्कोर किए थे। हरलिन ड्योल गाइस आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं, ओडीआईज में 4 मैचेस में 37 रन से साथ ही एक विकेट है। बात करें इस सीरीज़ में कैसा परफॉर्मेंस है, तो फर्स्ट गेम के अंदर 6 रन बैटिंग से स्कोर किए प्लस 4 ओवर की बॉलिंग कराई, वहां पर गाइस इन्होंने एक विकेट यहां पर निकाली थी। और सेकंड ओडीआई के अंदर 58 रन बैटिंग से स्कोर किए, काफ़ी अच्छा बैटिंग से स्कोर किया था, प्लस 2 ओवर की बॉलिंग भी कराई थी, ऑल दो गाइस वहां पर यहां पर विकेट लेस रही थी। उन्हीं के साथ गाइस हम लोग यहां से बात करें दीप्ति शर्मा के बारे में, लेफ्ट हैंड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती है। दोनों ही गेम्स में गाइस बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इस सीरीज़ में। हेड टू हेड में आप लोग देखेंगे तो 30 का बैटिंग एवरेज है इस वेन्यू पर, एक मैच प्ले किया है, 14 रन प्लस 0 विकेट। ओडीआईज में 34 का बैटिंग एवरेज है एंड बॉलिंग रिकॉर्ड्स आप लोग देखेंगे इस तो 77 मैचेस में 87 विकेट्स निकाल चुकी हैं। फर्स्ट ओडीआई में पूरे 10 ओवर्स की बॉलिंग प्लस 2 विकेट्स, सेकंड ओडीआई में 7 ओवर्स की बॉलिंग प्लस 1 विकेट, साथ ही यहाँ पर 15 रन बैटिंग से भी स्कोर किए थे। पूजा वस्त्राकर के बारे में बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, अपने सेकंड ओडीआई गेम के अंदर 7 ओवर्स की बॉलिंग कराई, फर्स्ट ओडीआई गेम के अंदर 2 ओवर्स की बॉलिंग कराई, ऑल दो गाइस यहाँ पर दोनों ही गेम्स में विकेट लेस रही हैं। हेड टू हेड आप लोग देखेंगे 4 मैचेस प्ले किए हैं, सिर्फ एक विकेट यहाँ पर निकाल पाई हैं। ओडीआई में 23 मैचेस में यहाँ पर 24 का बैटिंग एवरेज है, प्लस 20 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। दयालन हेमला था, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं, लास्ट गेम के अंदर 2 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए 2 विकेट्स इन्होंने निकाली एंड यहां से गाइस एक डिफरेंशियल प्लस गेम चेंजर पिक आप सभी की टीम्स में रहने वाली हैं। ओडीआईज में 7 मैचेस इन्होंने प्ले किए हैं, 56 रन प्लस 3 विकेट्स यहां पर निकाली हैं। रिसेंट फॉर्म आप लोग चेक कर सकते हैं, 4 विकेट्स 0 विकेट, 15 रन प्लस 2 विकेट, 17 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट एंड उसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे बैटिंग से 26 रन, 10 रन एंड 9 रन। रेणुका सिंह के बारे में इस बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती है, अपने सेकंड ओडीआई गेम के अंदर पूरे 10 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए यहां पर गाइस 4 विकेट्स इन्होंने निकाली, फर्स्ट गेम के अंदर यहां पर गाइस प्ले नहीं करी थी। झूलन गोस्वामी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, यहां पर आप लोग गाइस देखेंगे तो फर्स्ट ओडीआई गेम के अंदर पूरे 10 ओवर्स की बॉलिंग प्लस 1 विकेट, सेकंड ओडीआई गेम के अंदर 7 ओवर्स की बॉलिंग, ऑल दो वहां पर विकेट लेस रही, बट इस वेन्यू पर आप लोग रिकॉर्ड्स देखेंगे तो 3 मैचेस में 4 विकेट्स यहां पर निकाल चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एज यू कैन सी 56 मैचेस में गाइस यहां पर 75 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं इस सीरीज़ में। आप लोग देखेंगे ऑलरेडी हम लोग ने यहां पर डिस्कस कर लिया है,
ओडीआई रिकॉर्ड्स अगेन आप लोग चेक कर सकते हैं, 201 मैचेस में अपर 252 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ के बारे में बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के आप लोग चेक कर सकते हैं, 6 मैचेस में 9 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं इस वेन्यू पर, एक मैच के अंदर 1 विकेट्स। ओडीआई में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, 61 मैचेस में 96 विकेट्स यहां पर निकाल चुकी हैं। फर्स्ट ओडीआई के अंदर इस सीरीज़ के अंदर 10 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए 1 विकेट इन्होंने निकाली, एंड सेकेंड ओडीआई गेम के अंदर इस सीरीज़ के अंदर इन्होंने 8 ओवर्स की बॉलिंग कराई, ऑल द गेज वहाँ पर विकेट लेस रहीं। साथ ही गाइस यहाँ से आप सभी बेंच प्लेयर के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। स्नेह राणा गाइस प्ले करती हैं तो इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में रहने वाली हैं। ओडीआई रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, हेड टू हेड में यहाँ पर 3 मैचेस में 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, एंड फर्स्ट गेम के अंदर भी 6 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए 1 विकेट इन्होंने निकाली थी। तानिया भाटिया के रिकॉर्ड्स गाइस आप चेक कर सकते हैं, हेड टू हेड में 6 मैचेस में 34 रन स्कोर किए हैं। जवानमा रोड्रिगेज अगर गाइस प्ले करती हैं तो इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में यहाँ से रहने वाली हैं। एज गाइस आप इनका रिसेंट फॉर्म चेक करेंगे तो रिसेंट फॉर्म गाइस यहाँ पर बहुत अमेजिंग रहा है, 56 रन नॉट आउट, 44 रन्स नॉट आउट, 33 रन्स, 51 रन्स एंड 2 रन्स। मेघना सिंह गाइस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स एज यू कैन सी एक मैच प्ले किया है यहाँ पर 3 विकेट इन्होंने निकाली हैं। उन्हीं के साथ गाइस यहाँ से आप लोग बाकी प्लेयर के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से ओपन डेथ बॉलर्स के बारे में, सो गाइस यहाँ पर इंडिया टीम की तरफ से झूलन गोस्वामी, रेणुका सिंह एंड दीप्ति शर्मा आप लोगों को स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करती हुई दिखाई देंगी। वहीं पर गाइस झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा एंड पूजा वस्त्रकर गाइस आप लोगों को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करती हुई दिखाई देंगी। सो गाइज ये होने वाली है इस मैच की वीडियो। बाकी गाइज इस मैच से ठीक 1 घंटे पहले आपको हमारे चैनल पर लाइव सेशन भी देखने को मिलेगा, तो यस गाइज आप लोग लाइव सेशन के साथ ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज गाइज यहाँ पर लाइव सेशन में ईच एंड एवरी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। एंड लाइनअप्स के बाद गाइज लाइव सेशन में ही आपको टीम भी प्रोवाइड की जाएगी, तो यस गाइज लाइव सेशन के साथ ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना। एंड इसलिए गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गाइज सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को गाइज ऑल पे सेट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइज अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से गाइज सभी भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, 200 लाइक्स, एंड आई होप सो गाइज कि आप सभी यहां पर लाइक एम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के इंग्लैंड वुमेन टीम की तरफ से टैमी ब्यूमॉन्ट के बारे में। राइट हैंड बैट्समैन है, उन्होंने प्ले किए हैं, 22 के बैटिंग एवरेज से 400 प्लस रन स्कोर किए, इनफैक्ट 401 रन स्कोर किए हैं इस वेन्यू पर, 3 मैच के अंदर 60 रन है। एंड गाइज आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हेड टू हेड एंड वेन्यू पर भले ही रिकॉर्ड्स अच्छे ना रहे हो, बट गाइज ओडीआई में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, 97 मैचेस में 43 के बैटिंग एवरेज से उन्होंने 3404 रन यहाँ पर स्कोर किए हैं। इस सीरीज में आप लोग देखेंगे तो बड़ी इनिंग्स अभी तक नहीं आई है, 7 रन से 6 रन यहाँ पर स्कोर कर पाई हैं। एंड गाइज यहाँ से आप सभी इनका सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हैं, सिर्फ गाइज आपको 12% यहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज देखने को मिलेगा। सो यस गाइज यहाँ से आप लोग बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हैं, 43 का गाइज इनका बैटिंग एवरेज है ओडीआईज में, एंड यहाँ से गाइज अगर परफॉर्म कर देती हैं तो बहुत अच्छी रैंक आप सभी की यहाँ पर होने वाली है। तो जीएल में गाइज जरूर से आप लोग पिक करके चल सकते हैं। टीम की तरफ से गाइज आप लोगों को ओपन करते हुए दिखाई देंगे, एंड ओडीआईज में एज यू कैन सी 43 का इनका बैटिंग एवरेज रहा है। MLM राइट हैंड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं। इस सीरीज में गाइस आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ओडीआई गेम के अंदर 12 रन स्कोर किए प्लस अपने 3 ओवर की बॉलिंग कराई, ऑल द गाइस वहां पर विकेटलेस रही, एंड सेकंड ओडीआई के अंदर एज यू कैन सी 15 रन गाइस इन्होंने स्कोर किए थे। ओडीआईज में आप लोग रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, 5 मैचेस प्ले किए हैं, 234 रन गाइस इन्होंने स्कोर किए, 59 का बैटिंग एवरेज है, साथ ही गाइस यहां पर 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड यहां से गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ओडीआईज में बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड्स हैं, एंड इसलिए गाइस एक इंपॉर्टेंट पिक आप सभी की टीम्स में रहने वाली हैं। साथ ही गाइस बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स भी आप सभी की टीम से रहने वाली है, यहाँ से आप लोग बिल्कुल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देकर के चल सकते हैं। सूफिया डंकली गाइज राइट हैंड बैट्समैन है, एंड यहाँ पर आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं, हेड टू हेड में 4 मैचेस प्ले किए हैं, 118 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। ओडीआईज में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स है, 22 मैचेस में 35 का बैटिंग एवरेज से 634 रन गाइज इन्होंने स्कोर किए हैं। इस सीरीज में आप लोग रिकॉर्ड्स देखेंगे, फर्स्ट गेम के अंदर 29 रन यहाँ पर स्कोर किए थे, सेकंड गेम के अंदर गाइज ऑल्दो गाइज बड़ा स्कोर नहीं कर पाई, सिर्फ गाइज यहाँ पर 1 रन स्कोर कर पाई हैं। एलाइस कैप्सी राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं। ओडीआई रिकॉर्ड्स एज यू कैन सी गाइस 10 मैचेस में 33 के बैटिंग एवरेज से 234 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, साथ ही गाइस यहां पर 1 विकेट इन्होंने निकाली है। रिसेंट फॉर्म यहां से आप लोग चेक करेंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से बहुत अच्छा रहा है, बट यहां पर अगर आप लोग गाइस देखेंगे तो अपने फर्स्ट 2 ओडीआई गेम्स में बॉलिंग नहीं कराई है, फर्स्ट गेम के अंदर 19 रन बैटिंग से स्कोर किया, एंड सेकंड गेम के अंदर गाइस 39 रन यहां पर इन्होंने स्कोर किए थे। डेनियली वॉट गाइस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया दोनों ही ओडीआई गेम्स में, राइट हैंड बैटिंग करती हैं 15 हेड टू हेड मैचेस में,
ऑल दो आप लोग देखेंगे तो हेड टू हेड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस इससे पहले नहीं रहा था, बट अभी गाइस फर्स्ट टू गेम्स इन्होंने प्ले किए, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 43 रन एंड 65 रन गाइस इन्होंने स्कोर किए हैं। एमी जॉन्स के इस टीम की तरफ से कैप्टनसी करती हैं राइट हैंड बैट्समैन एंड विकेट कीपिंग सेक्शन से आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इनका बैटिंग ऑर्डर जरूर डाउन रहता है, बट गाइस आप लोग यहाँ से बिल्कुल पिक करके चल सकते हैं। लास्ट गेम के अंदर गाइस यहाँ पर 39 रन इन्होंने यहाँ पर स्कोर किए हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ से फ्रेया कैंप के बारे में, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, यहाँ पर गाइस आप लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं पूरे 10 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए एक विकेट इन्होंने निकाली थी, साथ ही गाइस यहाँ पर 12 रन बैटिंग से स्कोर किए थे। सो गाइस ये सेकंड ओडीआई के रिकॉर्ड से फर्स्ट ओडीआई में गाइस यहाँ पर प्ले नहीं करी थी। चार्ली डीन के बारे में गाइस बात करें राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स एज यू कैन सी एक मैच में यहाँ पर 4 विकेट्स है, ओडीआईज में 16 मैचेस में 29 विकेट्स है, रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा रहा है एंड सीरीज में आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट गेम के अंदर 24 रन प्लस 1 विकेट एंड अपने सेकंड ओडीआई गेम के अंदर 37 रन प्लस 1 विकेट एंड दोनों ही गेम्स से गाइस यहाँ पर 10-10 ओवर्स की बॉलिंग कराई है। सो यहाँ से गाइस चार्ली डीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस एक और गाइस बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स आप सभी की टीम्स में रहने वाली हैं। सूफी एक्लेस्टन राइट हैंड बैट्समैन एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड से गाइस यहाँ पर आप लोग देखेंगे हेड टू हेड में 9 मैचेस में 19 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड गाइस ओडीआई रिकॉर्ड्स एज यू कैन सी 49 मैचेस में इन्होंने 240 रन स्कोर किए हैं प्लस गाइस 79 विकेट्स यहाँ पर निकाली हैं। रिसेंट फॉर्म आप लोग देखेंगे तो बॉलिंग से बहुत अमेजिंग रिकॉर्ड्स हैं एंड यहाँ पर आप लोग सीरीज में परफॉर्मेंस देखेंगे तो फर्स्ट ओडीआई गेम के अंदर 31 रन स्कोर किए प्लस 9 ओवर्स की बॉलिंग, ऑल द गाइस वहाँ पर विकेट लेस रही एंड अपने सेकंड ओडीआई गेम के अंदर पूरे 10 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए एक विकेट गाइस इन्होंने निकाली। केट क्रॉस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, हेड टू हेड में 5 मैचेस प्ले किए हैं एंड 9 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, ओडीआईज में गाइस यहाँ पर 48 मैचेस में 62 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड इस सीरीज में आप लोग गाइस देख सकते हैं फर्स्ट गेम के अंदर 2 विकेट्स एंड सेकंड गेम के अंदर यहाँ पर 14 रन प्लस 1 विकेट, दोनों ही गेम्स में गाइस यहाँ पर 10-10 ओवर्स की बॉलिंग इन्होंने भी कराई थी। लॉरेन मेल राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराती हैं, फर्स्ट गेम यहाँ पर प्ले नहीं करी थी एंड सेकंड गेम के अंदर गाइस पूरे 10 ओवर्स की बॉलिंग कराते हुए एक विकेट इन्होंने यहाँ पर निकाली। सो गाइज यहाँ से आप लोग बेंच प्लेयर के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आईसी वॉन्ग फर्स्ट गेम प्ले करी थी, 5 ओवर्स की बॉलिंग भी कराई थी, ऑल द गाइज वहाँ पर विकेट लेस रही थी। ओडीआई रिकॉर्ड्स आप देखेंगे 2 मैचेस में यहाँ पर 4 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। ए डेविडसन रिचार्ड्स के बारे में गाइज बात करें, फर्स्ट गेम इन्होंने प्ले किया था एंड 50 रन वहाँ पर गाइज इन्होंने स्कोर किए थे। सारा ग्लेन गाइज अगर प्ले करती हैं तो इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में रहने वाली हैं एंड उन्हीं के साथ गाइज फ्रेया डेविस के रिकॉर्ड्स आप लोग देख सकते हैं, वनडे इंटरनेशनल में 7 मैचेस में 8 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। ओपन डेथ बॉलर्स के बारे में बात करें तो केट क्रॉस आईसी वॉन्ग एंड फ्रेया कैंप गाइज आप लोगों को स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे एंड केट क्रॉस सूफी एक्लेस्टन एंड आईसी वॉन्ग गाइज आप लोगों को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगी। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं मेरे इस मैच के ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन के बारे में। सो चलिए गाइस अब बात करते हैं मेरे इस मैच के ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन के बारे में, बट उससे पहले गाइस फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। सो यस गाइस फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक गाइस आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं इंग्लैंड वुमेन टीम की तरफ से मैंने 5 प्लेयर्स को पिक किया है एंड इंडिया वुमेन टीम की तरफ से गाइस मैंने यहाँ पर 6 प्लेयर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने गाइस यास्तिका भाटिया को पिक किया है, बैटिंग सेक्शन से डैनी वियार्ड, स्मृति मंदना, एमा लैम एंड हरलीन डियोल को गाइस यहाँ से मैंने पिक किया है। आप लोग चाहें तो गाइस यहाँ से ईलम के प्लेस पर वर्मा को जरूर यहाँ पर पिक करके चल सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से गाइस हरमनप्रीत कौर एंड दीप्ति शर्मा को यहाँ से मैंने पिक किया है। बॉलिंग सेक्शन से गाइस सूफी एक्लेस्टन, कैटी क्रॉस, चार्ली डीन एंड उन्हीं के साथ गाइस रेणुका सिंह को भी के लिए मैंने पिक किया है एंड यहाँ से गाइस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक बहुत सारी इस मैच के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगी, बट यहाँ से गाइस हरमनप्रीत कौर मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स है एज गाइस दोनों ही गेम्स में काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स है एंड वाइस कैप्टन गाइस यहाँ से मैं करने वाला हूँ स्मृति मंदाना को। बाकी गाइस ये है मेरी इस मैच की इनिशियल टीम। अब गाइस इस टीम में जो भी फाइनल चेंजेस रहेंगे फाइनल टीम गाइस आप सभी को लाइनअप्स के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी एंड इसलिए गाइस आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक गाइस आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी एंड आई होप गाइस आज के वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।